चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। रविंद्रन जी, प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित होने वाले अलग अलग थाना क्षेत्रों में या जनपद स्तर पर के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, उपस्थित हमारे बहनों और भाइयों, एक साथ प्रदेश को गृह विभाग के द्वारा, जिसमें जनता को भी, पुलिस कार्मिकों को भी एक साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, 2000 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश में हर जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना का कार्य का शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए प्रदेशवासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल करके नई कार्य संस्कृति को डेवलप करने का जो कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ था, इसके लिए भी यूपी पुलिस के अपने सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई। थाना क्षेत्र में पुलिस बैरक और हॉस्टल के निर्माण के लिए भी कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है, कुछ नए थाने लोकार्पित हो रहे हैं, कुछ के शिलान्यास हो रहे हैं। पुलिस लाइन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है, पीएसी नई वाहिनियों के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ की नई वाहिनियों के गठन की शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इन सब को लेकर के एक नए भारत का नया यूपी है, तो नए यूपी की आधुनिक पुलिस के लिए भी मैं प्रदेशवासियों को और उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इतना सब कुछ कार्य, यह प्रदेश के नए बदलाव की कहानी भी कहता है। यही प्रदेश था आज से 7 वर्ष पहले, क्या स्थिति थी, कोई आना नहीं चाहता था, कोई यूपी की तरफ देख के नहीं आता था, और यूपी के जवानों की, नौजवानों की स्थिति भी ये थी कि वह यूपी के बाहर जाकर के अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। पुलिस लाइन जनपद कब बने थे, लेकिन पुलिस लाइन आज तक नहीं गठित हो पाई। अब याद करिए, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और उसकी आत्मा को निकाल दो तो क्या वह मनुष्य कहलाएगा? जैसे वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होगा, ऐसे ही यूपी की पुलिस को बना दिया गया था। जनपद बना दिए गए, पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन जो उसकी आत्मा होनी चाहिए, पुलिस की आत्मा जनपद के अंदर उसकी पुलिस लाइन में होती है, पुलिस लाइन ही गायब है, पुलिस लाइन ही नहीं बनी है। पहली बार हम लोग 4 जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं, अमेठी में प्रारंभ कर चुके हैं, और हापुड़ की प्रक्रिया को भी बहुत शीघ्र हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक नई कार्य संस्कृति, और जो पहले से बनी हुई पुलिस लाइन है, आज आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो हमारे
मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको छोड़ दें तो शेष अन्य जनपदों में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी उस जनपद मुख्यालय के पास तो वह पुलिस लाइन में होगी और पुलिस लाइन में पुलिस के बैरिक की होगी, पुलिस के हॉस्टल की होगी। इससे पहले यही लखनऊ की पुलिस लाइन में जब मैंने पुलिस बैरक को देखा था एक दिन अचानक दिन में जाकर के, उसी में पुलिस कार्मिक सोया हुआ था, टूटी हुई पलंग थी, आसमान दिखाई दे रहा था, पूरी छत टूटी हुई थी, एस्बेस्टस की सीट थी और उसी में वो लेटा हुआ था। यानी दिन भर ड्यूटी करे या रात्रि भर ड्यूटी करे और जब आए तो हॉस्टल में या बैरक में आता था तो सोने के लिए भी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, आराम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये हालात थे 2017 के पहले। और आज मैं कह सकता हूं हर जनपद की पुलिस लाइन में, हर थाने में हम लोगों ने या तो हाई राइज बिल्डिंग बनाकर के हॉस्टल उपलब्ध करा दिया है या निर्माणाधीन है, या फिर हर थाना क्षेत्र में भी हम लोगों ने पुलिस हॉस्टल और पुलिस बैरक की व्यवस्था बनाकर के अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई है। तो जवान है, 8 से लेकर के 12 घंटे कभी कभी 24 घंटे उसको ड्यूटी करनी होती है, उसकी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। और इस देश से जितना पैसा लगा, अकेले यूपी पुलिस को पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 18 से 20 हजार करोड़ रुपए केवल अवस्थापना सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये पैसा पुलिस लाइन के लिए, थानों के निर्माण के लिए, बैरक के लिए और हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हो सके, यह पैसा उपलब्ध करवाया गया बिना किसी संकोच के उपलब्ध करवाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है जब मैं जाता हूं किसी भी जिले में, मैंने पहले भी कहा कि किसी बड़े जनपद में हम जाते हैं तो मानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन बी ग्रेड की या सी ग्रेड की जो हमारी सिटी है वहां पर सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का मतलब यूपी पुलिस की वह बिल्डिंग होगी, यूपी पुलिस के कार्मिकों की बैरक या उनका हॉस्टल होगा। और यह व्यवस्था हम लोगों ने हर जनपद में तैयार कर दी है। अब यूपी पुलिस भी कह सकती है कि दुनिया के पास, दुनिया के प्रदेश, देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम सबको देने की सामर्थ्य रखते हैं। उस प्रदेश को मैं कोई आना नहीं चाहता था, कहां से नौकरी आएगी, कहां से विकास होगा, आबादी में देश का नंबर एक प्रदेश लेकिन अर्थव्यवस्था में 6वें 7वें नंबर पर भी हमारी गिनती नहीं होती थी, हर एक सेक्टर में पीछा, देश के अंदर देश के विकास में ब्रेकर के रूप में वो यूपी को माना जाता था। स्थिति क्या थी, यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता था और उस समय नाम सुनते ही लोग उसको वहां से बाहर कर देते थे, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाएगा उसको पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वो कहता है कि मैं यूपी से हूं तो सामने वाले बैठने के चेहरे पर भी एक चमक उठती है, दिखती है कि हां ये यूपी का है। यूपी भारत का हृदय स्थल, यूपी देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने वाला राज्य और देश के अंदर सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ प्रदेश, देश के अंदर सर्वाधिक पर्यटकों को अपनी ओर सुरक्षित आकर्षित करने वाला प्रदेश, देश के अंदर सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश, सबसे अधिक निवेश लाने वाला प्रदेश और सबसे अधिक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश आज यूपी बन चुका है। इसमें यूपी पुलिस की बड़ी भूमिका रही यूपी के इस परसेप्शन को सुधारने के लिए और यूपी के उस प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। सचमुच हम मानते हैं पुलिस के खिलाफ
लोगों के मुंह से पहले शब्द निकलते हैं। कारण है क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड होगा उसके पास शिकायतें आएंगी, शिकायत के समाधान के लिए मैकेनिज्म अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिसके पास व्यक्ति पहले जाएगा उससे शिकायत भी होगी। इस दौरान काफी कुछ किया गया, हम लोगों ने 1,60,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की ही भर्ती की, 1.5 लाख के आसपास पुलिस कार्मिकों को प्रमोशन भी दिया। आप याद करिए कब से प्रमोशन नहीं हो पाए थे, और प्रमोशन की भी जो स्थिति पिक एंड चूज था, पसंद है तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, मेरिट कहीं नहीं। ऐसे ही अन्य प्रकार के भेदभाव हुए थे, उन सब से अलग एक पूरी पारदर्शी और सुचतापूर्ण तरीके से पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। यूपी पहला राज्य है जिसने इतने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, वे सभी आज कार्य कर रहे हैं, फील्ड में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हर एक स्तर पर की गई। पुलिस की भर्ती के साथ ही यह व्यवस्था भी की गई, हर जनपद से उत्तर प्रदेश के जवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए, और भर्ती की इस प्रक्रिया को हम लोगों ने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग की क्षमता को भी हम लोगों ने 3 गुना किया। 1947 से पहले यानी यूपी पुलिस के गठन के पहले से लेकर के 2017 तक जितनी हमारी क्षमता थी, आज हमें हमारे पास उससे 3 गुना क्षमता है पुलिस ट्रेनिंग की। और कुछ ही समय के अंदर हर जनपद में हर पीएसी पानी के अंदर हम लोग ट्रेनिंग की एक अतिरिक्त क्षमता विकसित करेंगे, तब यूपी अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के अंदर की अन्य राज्यों के लिए भी और पैरामिलिट्री के लिए भी ट्रेनिंग की क्षमता अपने पास तैयार करके रखेगा कि अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करिए। ये सभी कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किए, बहुत सारी चीजें हुई। पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, उनके पुनर्गठन की कार्रवाई को पूरा किया। पुलिस के अंदर एसटीआरएफ, यूपी के अंदर एसटीआरएफ की गठन किया, जोनल और रेंज स्तर पर वहां पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की, यूपी के अंदर अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जो गत वर्ष से ही कार्य करना प्रारंभ कर चुका है, और पीएसी की नई वाहनियों के गठन के साथ साथ एसएसएफ का गठन भी यूपी ने किया है, सफलतापूर्वक किया। इस समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश एसएसएफ ही उठा रही है और वही इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा हो या मेट्रो की सुरक्षा, यह दायित्व भी यूपी पुलिस उठा रही है। ये सभी कार्य करने के साथ समय की चुनौती को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और आज इसी में यूपी संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में अपने साइबर थाने होंगे, और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ, जिनमें 18 को हम पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी 1523 थाने जो यूपी के अंदर है इनमें साइबर सेल की स्थापना भी, अब कोई व्यक्ति साइबर क्राइम की चपेट में आएगा तो उसको कमिश्नरी मुख्यालय रेंज मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, कमिश्नरी मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जहां पर जिस थाने में जाएगा वहां पर साइबर सेल होगी, उसकी विवेचना के लिए साइबर थाना होगा। ये सभी कार्य हर व्यक्ति को उसके गंतव्य में ही ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, हो जाएगी, और जहां भी उसका नजदीक का केंद्र होगा, स्टेशन होगा, वहीं पे सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग कर देंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है, और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा पुलिस के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं, जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएसी बानी, 2 यूपी एसएसएफ, और 33 स्थानों पर
मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज प्रारंभ हो रहा है। आप सोचिए पी यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन बताने का हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं, शिलान्यास आज हो रहा है। यूपीपीएससी पहले की सरकारें समाप्त कर रही, दंगा कैसे समाप्त होता जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपीपीएससी, और उसको ही ये लोग समाप्त कर देते थे, यानी पीएससी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्त की गई, मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई बाहनियों का गठन का कार्य भी संपन्न हो रहा है। पीएससी की नई बाहनियां गठित होंगी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन करने जा रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और बैरक के विवेचना कक्ष का, 6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं, इनकी अवस्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यह आज की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम थोड़ी भी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, अपराध किसी भी प्रकार का होगा, हमें लोकतंत्र में डायलॉग को पहले महत्व देना होगा। डायलॉग जिसके बारे में वित्त मंत्री ने भी आपके सामने अपनी बात कही, अगर हम संवाद का उपयोग कर रहे हैं तो कॉमन मैन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाता है। ये जो साइबर थाने बनाए जा रहे हैं, ये कॉमन मैन को यही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, जिस भी थाने में जाएंगे वहां साइबर हेल्प डेस्क उनकी मदद के लिए तैयार होगा। जैसे महिलाओं के लिए हम लोगों ने पिंक बूथ बनाए हैं, हर थाने में एक महिला कक्ष भी आरक्षित किया है, जो महिला जाएगी उसकी समस्या का समाधान उसी थाने में होगा, महिला पुलिस कार्मिक वहां मौजूद होगी। जैसे महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती, हर बीट स्तर पर महिलाओं के साथ संवाद बनाने के लिए किया गया है, ऐसी कॉमन मैन की समस्या के समाधान करने के लिए भी एक डायलॉग को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इस डायलॉग के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और उस डायलॉग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास हमारा प्रारंभ होना ही चाहिए। हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति होनी चाहिए। कॉमन मैन के लिए हमें उतना ही संवेदनशील और त्वरित न्याय देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उसी का परिणाम है।